रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट में भारत एक बार फिर दो पायदान लुढ़क कर 140वें नंबर पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में सत्ताधारी पार्टी, मौजूदा केंद्र सरकार और उसके समर्थकों पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता पर वैश्विक रिपोर्ट जारी करने वाली मशहूर संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ताज़ा रिपोर्ट में भारत एक बार फिर दो पायदान नीचे लुढ़क कर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट बताती है कि भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट हो रही है। 180 देशों की सूची में भारत 2017 में 136वें स्थान पर था, लेकिन 2019 में 140वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में देश में कम से कम 6 पत्रकार अपने काम की वजह से मारे गए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और केंद्र की मौजूदा सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट कहती है कि पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थक पत्रकारों के खिलाफ बेहद आक्रामक हैं। वे उन सभी विचारों को हटा देना चाहते हैं जो उनकी नज़र में राष्ट्र विरोधी है। सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक और देशद्रोह के मुकदमे तक दर्ज किए जाते हैं। मौजूदा सरकार में पत्रकारों पर ऑनलाइन हमलों की बाढ़ आ गई है। रिपोर्ट ऐसे हमलों के बारे में कहती है कि जो पत्रकार उन विषयों को उठाते हैं जिससे हिंदुत्व के समर्थकों को चिढ़ होती है, तो उनके खिलाफ संगठित तरीके से सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जाता है। रिपोर्ट में कश्मीर में पत्रकारों की स्थिति और मीटू अभियान के हवाले से न्यूज रूम में महिला पत्रकारों के यौन शोषण का भी जिक्र है। इस लिस्ट में पाकिस्तान भारत से महज दो पायदान पीछे है। सीरिया, सूडान, चीन, इरिट्रिया, उत्तर कोरिया और तुर्कमेनिस्तान को अंतिम 5 में जगह दी गई है। सूची में पहला स्थान नॉर्वे का है। ब्यूरो रिपोर्ट, Go News.